नागालैंड ओपन फायर मामले में आज संसद में बयान देंगे गृह मंत्री। उग्रवादी विरोधी अभियान पर बयान नहीं, नागालैंड में जवान समेत 14 लोगों की मौत, सेना पर इरादतन हत्या के आरोप। भारत के हाथ आई जीत, न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से मात दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने मेजबान को दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 372 रनों से हराया। कप्तान कोहली ने बनाया नया रिकॉर्ड। तेलंगाना के करीमनगर मेडिकल कॉलेज में 43 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित, सस्पेंड हुई क्लासेस प्रोग्राम के कारण संक्रमण फैलने की आशंका, दूसरे छात्र छात्राओं और स्टाफ की हो रही जांच। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 29 साल, अलर्ट पर मथुरा। राइट विंग संगठन ने दी ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक की धमकी। कटरा के शवदेव में 3 टायर सुरक्षा, यूपी डिप्टी सीएम ने किया था भड़काऊ ट्वीट। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि आज, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री को श्रद्धांजलि। संसद परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हुए राजनेता। भारत की 50% योग्य आबादी पूर्ण कोविड टीकाकरण, पीएम मोदी बोले टीकाकरण गति बनाए रखना जरूरी। स्वास्थ्य मंत्री का बयान गर्व का क्षण, लगाए गए 127 कोविड डोज। और आज भारत में रूसी नेताओं का तांता, राष्ट्रपति पुतिन की दिल्ली दौरे पर होगी पीएम से मुलाकात, दोनों देशों के बीच होगा पहला 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। वार्ता के लिए भारत में मौजूद रूसी विदेश मंत्री सर्जी लावरोव।